अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसके लेक्चर देखना क्यों ज़रूरी है। एक तो ये सब्जेक्ट है CS101, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट भी हैं जिसको यूनिवर्सिटी ने देखना लाजमी कर दिया है। एक तो CS101 है जिसको लाजमी कर दिया है, अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो फिर आप ना तो कोई क्विज आएगा और ना ही असाइनमेंट आप कर सकते हैं। तो क्विज के लिए ज़रूरी है कि आप लाजमी तौर पर इसकी तमाम वीडियोस को प्ले करें। वीडियोस को कैसे प्ले करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट दिखा दूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक CS101 के लेक्चर बिल्कुल भी प्ले नहीं किए हुए, तो वहाँ पे वो देख रहे होंगे कि अभी सिर्फ एक ही या दो या तीन लेक्चर आए हैं। तो असल वजह यह है कि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो अगला लेक्चर आपका वहाँ पे शो नहीं होगा। ये आपके सामने एक अनाउंसमेंट है CS101, अनाउंसमेंट नंबर है ये एक। उसमें लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स, इट्स हेयर बाई हैव बीन इन्फॉर्म्ड टू यू थ्रू एन अर्लियर कोर्स अनाउंसमेंट टाइटल एस, उन्होंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इसमें सिंपली इन्होंने लिखा है कि आपका जो क्विज आने वाला है वो इस डेट को आएगा, लेकिन उससे पहले आपको तमाम के तमाम वीडियो जितने भी ज़रूरी हैं उस क्विज़ के लिए, यानी 51 आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो तभी आप उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये अनाउंसमेंट है एक्चुअल वाली, जिसमें वो बताया गया है सारे का सारा। यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। सपोज योर कोर्स टीम हैज़ अनाउंस सेमेस्टर क्विज़ नंबर 1 which will be conducted from topic number 1 to topic number 51. Now through a lesson tracking mechanism you will be eligible to attempt the semester quiz number 1 if you have completely viewed all the 51 topics, topic number 1 to topic number 51 on your course LMS. वो कह रहे हैं कि सिंपली अगर आपने इतने टॉपिक्स देख लिए तो फिर आप एलिजिबल होंगे आप इस क्विज को करने के। इस तरह ये क्विज़ नंबर 1 होगा। अगर मज़ीद क्विज़ आते हैं जो आने होते हैं तकरीबन मिड तक 2 क्विज़ और मिड के बाद फिर मज़ीद 2 क्विज़, तो वो सारे के सारे आपको लेक्चर प्ले करने पड़ेंगे। और सेकंड लाइन में कहा गया है, इन शॉर्ट यू मस्ट हैव व्यूड ऑल लेसन वीडियो थ्रू योर करंट वीयू LMS। और ये कि आपने तमाम के तमाम LMS जो वीडियोज़ हैं वो LMS के अंदर से ही सुनने हैं, अपना LMS ओपन करके। आप इसको YouTube पे या वीडियोस लेक्चर लेके कैंपस से या डाउनलोड करके किसी और तरीके से भी सुनेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपको अपने LMS के अंदर से ही वीडियो सुनने हैं। तो इसको जो ये लिखा हुआ है कि व्यूड होना चाहिए, ये किस तरह आएगा ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो हम चलते हैं CS101 की तरफ। यहाँ पे 51 शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट ने 51 लेसन्स जो हैं वो इसको व्यूड कर चुके हैं, देख चुके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना CS101 की जो अटेंडेंस है वो अभी मार्क की जा रही है, तो इस अटेंडेंस को हम यहाँ पे प्रोग्रेस में चेक कर सकते हैं। CS101 यहाँ पे देखें, अगर आपने लेक्चर देखने शुरू किए हुए हैं, अगर पहला वीक देखा है तो वहाँ पे प्रेजेंट आ रहा होगा, अगर आपने सेकंड वीक नहीं देखा तो वहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपने सारी की सारी जो है वो चीज़ें देखनी है। और
यहाँ पे कंप्लीट जो है उसको ट्रैक किया जा रहा है, कितने कंप्लीट कर लिए हैं वीक्स वाइज। यहाँ पे देखें पूरा एक बना हुआ है चार्ट, यहाँ पे एमडीबी पार्टिसिपेशन, और इवन के अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और सेल्फ असेसमेंट उसके बाद आती हैं हर लेसन में क्विज़ जो भी आपने कंप्लीट करनी होती है। तो ये देखें कंप्लीट यहाँ पे उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं वापस CS101 की तरफ और देखते हैं कि इसको लेक्चर को कंप्लीट कैसे करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, उसके नाम को क्लिक करते हैं। एक चीज़ याद रखें कि ये इंग्लिश BS इंग्लिश का स्टूडेंट है, और ये CS101 कंप्यूटर में भी होती है, IT में भी होती है, इसके अलावा और डिग्री में भी होती है, जहाँ पे भी हो। तो आपने देख लेने हैं कि अनाउंसमेंट में क्या बाकी लेक्चर्स के बारे में तो ऐसा नहीं कहा गया कि वो भी व्यूड होंगे तो फिर आप क्विज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अनाउंसमेंट के अंदर मिल सकती हैं। तो इस LMS में BS इंग्लिश है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो CS101 है उसका लाजमी कहा गया है कि आपने तमाम के तमाम लेक्चर देखने हैं, तभी आप उसको क्विज़ वगैरह कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ पे देखें कि वीक 5 में जो कम से कम 54 यहाँ पे टॉपिक्स कंप्लीट हैं, और जिस जो भी कंप्लीट हो चुका है उसके सामने ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो व्यूड है। इस तरह वीक 1 देखें तो यहाँ पे भी तमाम के तमाम लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट ये। और इस तरह सेकंड वीक के बाद थर्ड वीक भी कंप्लीट है, और वीक 4 भी कंप्लीट है। इस तरह वीक 4 के बाद 51 के बाद इनका क्विज़ आएगा। तो क्विज़ के लिए ये एलिजिबल हैं, और जो ड्यू डेट होगी उसके मुताबिक ये क्विज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा तो ड्यू डेट के अंदर आप वो क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको वीक 5 में किस तरह करना है कंप्लीट। वीक 5 में 3 लेक्चर कंप्लीट हैं। अब 55 के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ, और 56 के ऊपर कोई लिंक नहीं बनता, उसको ओपन नहीं कर सकते। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉपिक 55 को कैसे कंप्लीट करना है। इस स्क्रीन के ऊपर हर लेक्चर के अंदर यहाँ पे 2 से 3 या 4 टैब ही हो सकते हैं। तो इस 55 लेक्चर में एक पहला टैब जो है वो प्री असेसमेंट का है, और उसके बाद वीडियो है। वीडियो यहाँ देखें भी वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, ना ही रीडिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे पहला जो प्री असेसमेंट फर्स्ट टैब है इसको पहले कंप्लीट किया जाए। इसको कंप्लीट करने का तरीका क्या है कि टेक क्विज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड होगा, कंप्लीट होगा तो फिर हम नेक्स्ट टैब के ऊपर जा सकते हैं। ये सेम बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपने VU001 कंप्लीट किया होगा। टेक क्विज़ करते हैं। एक चीज़ ये है कि इन जो ये क्विज़ हैं आपके असेसमेंट के, इसके कोई नंबर नहीं है, लेकिन आपको कंप्लीट करना होता है। इस तरह 4 क्विज़ हैं इसमें, 3 टोटल, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, मैं इसको जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा देख के कर रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया, ये देखें कि जो अभी नॉट कंप्लीटेड था वहाँ पे कंप्लीटेड आ गया, और अब ये वीडियो वाला बटन भी ओपन हो गया है। अच्छा, कुछ ब्राउज़र में इशू आ रहा है कि वहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहे। ये मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन किया हुआ था तो ये वहाँ पर ओपन नहीं हो रहा, तो हम इसको अब ओपन करते हैं सेकेंड ब्राउज़र में, जैसे कि क्रोम में कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज में कर सकते हैं। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एज में कर लेते हैं ओपन।
ये इस तरह का जो एरर आता है ये जस्ट चंद सेकंड के लिए होता है, ये कोई परमानेंट एरर नहीं है। तो आपको पता है कि मोज़िला में टॉपिक 55 प्ले नहीं हो रहा था, तो हमने इसको स्विच कर लिया ब्राउज़र को और इसको ले गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, नाम को क्लिक किया और फिर हमारा ये देखें 55, इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे 55 में हमने देखा था कि हमने पहला क्विज़ जो था पहला टैब कंप्लीट कर लिया था। वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो ओपन हो गई है, इसको हम बंद कर देते हैं। Dear students, today we will discuss one of the important problem when different processes are competing together. प्ले हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर एज व्यूज। टोटल वीडियो का टाइम है 7 मिनट और 42 सेकेंड, तो इसका जो 55% मतलब एक चौथाई हिस्सा जब प्ले हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो नॉट व्यूड है ये व्यूड हो जाएगा। तो हमें कम से कम 2 मिनट जो है ना देखना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा। जब तक ये वीडियो चल रही है मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। ये आपका चैनल है, आप इसके ऊपर अपने LMS के मतलब जितने भी कोई मसाइल हो सकते हैं आपको वो आप यहाँ पे इसको वीडियोस मुख्तलिफ पड़ी हुई हैं आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ असाइनमेंट के बारे में थी हमारी एक वीडियो, इनलाइन असाइनमेंट्स। असाइनमेंट दो तरह से होती हैं, ये आपको कल बताया जा चुका है। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस हैं, जितने भी कोई इशू हो सकते हैं आपको LMS में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब वापस चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कितना वो प्ले हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ ऐसे है कि अगर आप इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं तो ये वहीं का वहीं वहाँ से ना स्टॉप हो जाता है, इसलिए आपको बकायदा इसको देखना ही पड़ेगा, फिर जाके ये व्यू होगा। तो 1.5 मिनट हो चुका है, मज़ीद तकरीबन 1 मिनट तक यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट टैब है रीडिंग का ये इनेबल हो जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पे कोई इसका लिंक नहीं है, ओपन नहीं कर सकते आप इसको। और यहाँ पे देखें व्यूड आ गया, इसका मतलब है कि 25% तक ये चला गया। और अब क्या करेंगे हम, ये नेक्स्ट टैब, मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जितना आप अच्छे तरीके से सुन लेंगे कंप्लीट उतना ही आपके लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये जस्ट 2 सेकंड के लिए होता है, जैसे ये 2 सेकंड कंप्लीट हुए तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि हमने टॉपिक 55 तीनों टैब जो है ना वो कंप्लीटेड है हमारे। प्री असेसमेंट कंप्लीट है, वीडियो कंप्लीट है और रीडिंग कंप्लीट है। इसके बाद हम जाएंगे टॉपिक 56 की तरफ। देखें यहाँ पे जब मैंने शुरू में बताया था कि ये टॉपिक 56 तब ये लॉक था, इसको ओपन नहीं कर सकते थे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि 57 को मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन 56 अब ओपन हो गया है। इसका भी सेम तरीका है, यहाँ पे देखें जैसे बताया था अभी आपको कि यहाँ पे किसी में 3 टैब होते हैं किसी में 4, तो यहाँ पे टोटल 4 टैब हैं जो कंप्लीट करने हैं। तो पहला प्री असेसमेंट हम जल्दी जल्दी करते हैं, क्विज़ है, आपने इसको अच्छी तरह करना है ताकि आपको तैयारी करने में फ़ायदा हो। मैं जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे पहला टास्क पहला टैब कंप्लीट है और अब सेकंड ओपन हो गया है। सेकंड के ऊपर जाएँ तो वो क्लिक हो जाता है,
लेकिन थर्ड और फोर्थ के ऊपर क्लिक कभी नहीं हो रहा है। तो वीडियो यहाँ पे है 8 मिनट, 8.5 मिनट की। तो इस तरह यहाँ पे भी 25% टाइम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तकरीबन 2 मिनट। 2 मिनट वेट करते हैं। यहाँ पे देखें आपके जैसे ही 2 मिनट और 5-6 सेकंड हुए हैं, 1/4 टाइम गुजरा है, तो यहाँ पे वो व्यूड हो गया है। सेकंड थर्ड टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे 2 सेकंड के लिए होता है ये कंप्लीटेड, उसके बाद थर्ड फोर्थ, इसको हम यहाँ पे क्विज टेक करते हैं। आप इसको पढ़ के करेंगे। ठीक है जी, अंदाजे से लगाए थे तो सही हो गए, गलत हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे चारों टैब लेसन नंबर 56 में प्री असेसमेंट टैब 1 कंप्लीट, वीडियो व्यूड, थर्ड टैब कंप्लीटेड और फोर्थ कंप्लीटेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस। ये देखें यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे 2 कंप्लीट किए, 55 और 56, तो 57 ओपन हो गया। इस तरह एक एक कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट जो है वो ओपन होते जाएंगे। इस तरह आपने ये कंप्लीट करना है। और बाकी मज़ीद कोई इशू हो तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि उसी हवाले से फिर आपको मज़ीद रहनुमाई कर दी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।